अस्सलाम वालेकुम किसान वीरों, अज बड़ा नस्ली झोटा तुहाडी खिदमत विच लैके हाजिर हाँ। झोटा हर पासू तसली नाल तुहानू विखावांगे, बड़ा आलीशान झोटा है, नस्ली झोटा है, चीचा वतनी तो लैके आए ने, ते इहदा कद काठ हर चीज़ तुहाडी नज़रां दे सामने है। ते इहदी कीमत की है, इहदी उम्र की है, इह ते पुछांगे भाई घरों। पहला तुसीं आले दुआले वेख के तसली कर लो कि झोटे की लंबाई माशाल्लाह, कद काट वेखो, ते एदा बैग तुहाडे सामने आ जी, माशाल्लाह बड़ा सोहना नस्ली झोटा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई जी, की हाल है? ठीक ठाक जी। भाई का नाम की है? नईम साहब, सानू दसो कि झोटा तुसीं वेचना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल वेचना चाहते। अच्छा नईम साहब, झोटा कित्थों लैके आए सो? झोटा जी चीचा वतनी मंगाया है। चीचा वतनी तो मंगाया सी, ते ऐ दसो कि झोटे की कोई उम्र किन्नी क है? उम्र तकरीबन साढ़े तीन साल है। साढ़े के तीन साल है। हाँ, ते मुंह तू की जे? मुंह छिग्गा जे। छिग्गा जे? हाँ जी। ते की प्यार मोहब्बत जे? इदा पक्का पेड़ा दसिए जी। पक्का पेड़ा दसो या थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत आई दस छोड़ो, लेकिन थोड़ी मर्जी है। इदा जी 3 लाख रुपया। 3 लाख डिमांड है? हाँ जी। ਤੇ ਪੱਕਾ ਦਾ ਛੜੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਂਢ ਨਸਲੀ ਝੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਾਓ ਨਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। चलो ठीक है नईम साहब, ए दसो तुहाडा एड्रेस की जे? एड्रेस साडा जी जीराबाद नाल पिंड पीरकोट। पीरकोट? हाँ जी। पीरकोट जिला सियालकोट। पीरकोट। ते तुहाडा मोबाइल नंबर की जे, जिहदे नाल लोग तुहाडा राबता कर सकदे ने? 0334 0334 44 44 95 95 778 778 फिर बोलो एक बारी। 0334 जी 46 जी 95 जी 778 ठीक है नईम साहब। अगर किसी बंदे नूं संडा झोटा पसंद है तो स्क्रीन ते भी नंबर चला दिंदे आ, ठीक है? यह झोटा पसंद आते तुसीं इहनां नाल राबता करके तसली दे नाल झोटा खरीद सकदे हो। उम्मीद करना तुहानूं छोटी जी वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो इहनूं लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों नाल शेयर भी करो। इंशाल्लाह जल्दी अगली अच्छी जी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर होवांगे। उदों तक तुसीं अपना ते अपने प्यारिआं दा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। रब रखा।